नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग बाथरूम का वाटरप्रूफिंग केमिकल कोटिंग से कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। बाथरूम का वाटरप्रूफिंग डॉक्टर फिक्सिट पीडीफिन 2K112 से कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ये वाटरप्रूफिंग करते समय ये केमिकल यूज़ किया जाता है, डॉक्टर फिक्सिट 112 पीडीफिन 2K। इसमें एक पाउडर रहता है और एक लिक्विड फॉर्मेट रहता है। ये दोनों को प्रॉपरली मिक्स करना पड़ता है। ये देखिए, अभी इसमें मिक्स कर रहे हैं। ये पूरा प्रॉपरली मिक्स करने के बाद में उसको अप्लाई करना है। ये कोटिंग जब नया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, स्लैब होने के बाद में, प्लास्टिंग होने के बाद में, जब ब्रिक बैट कोबा करने से पहले भी करते हैं, या फिर एक पुराने बिल्डिंग है जहाँ टाइल्स ख़राब है, टाइल्स के जॉइंट में लीकेज है, टाइल्स बदलना है, तो टाइल्स निकाल करके, टाइल्स के नीचे का जो भी मोर्टर रहता है वो निकाल के उसके स्लैब सरफेस को ये कोटिंग करते हैं। ये देखिए, अभी प्रॉपरली मिक्स कर रहे हैं। इस जगह में टाइल्स थोड़ी ख़राब थी, टाइल्स डैमेज थी, उसमें गैप्स वगैरह, इसलिए टाइल्स निकाला है और उसके ऊपर अब ये कोटिंग कर रहे हैं। ये कोटिंग एज अ लीकेज प्रूफ, एज अ वाटर प्रूफिंग काम करता है। डॉक्टर फिक्सिट पीडीफिन 2K या फिर डॉक्टर फिक्सिट 112। इसमें ये पाउडर और ये लिक्विड दोनों को प्रॉपरली मिक्स करते हैं। इसको मिक्सिंग करने में लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं। ये प्रॉपर मिक्स करने के बाद में ये ब्रश है, ब्रश से इसको अप्लाई करते हैं। ये देखिए, अभी अप्लाई कर रहे हैं। ये बेस कोट है या फिर फर्स्ट कोट है। ये बाथरूम के टाइल्स पूरा निकालने के बाद में, वो टाइल्स के नीचे जो भी मोटर है वो सब निकालने के बाद में उसको पूरा प्रॉपरली क्लीन किया जाता है, और क्लीन करने के बाद में ये कोट, फर्स्ट कोट अप्लाई करते हैं। ये केमिकल की वजह से ये पूरा स्लैब या फिर टाइल्स का बॉटम सरफेस है वो पूरा वाटर टाइट हो जाता है। वैसे बाथरूम वाटरप्रूफिंग करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे सीमेंट ग्राउटिंग करके करते हैं या फिर इपॉक्सी ग्राउटिंग करते हैं, लेकिन ये तरीके जहाँ टाइल्स निकालना नहीं है वहीं अप्लाई होते हैं। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, सीमेंट ग्राउट से बाथरूम का वाटरप्रूफ करते हैं, उसका लिंक मैं अभी आपको आई बटन में भेजता हूँ, उसमें आप वो वीडियो देख सकते हैं। जहाँ आपको टाइल्स नहीं निकालना है वहाँ वो सिस्टम या फिर वो प्रोसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमेंटिशियस ग्राउट या फिर इपॉक्सी ग्राउट। ये डॉक्टर फिक्सिट पीडीफिन 2K ये एक बॉक्स में आता है। इस बॉक्स में ये पाउडर आते हैं और लिक्विड आते हैं, लिक्विड का कैन आता है। ये केमिकल को पूरा बॉटम सरफेस है उसको प्रॉपरली अप्लाई करना है।
ये अप्लाई करते समय देखना कि पूरा सरफेस प्रॉपरली कवर हुआ है कि नहीं, पूरा ठीक से सरफेस पूरा कवर करना है, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। ये देखिए अभी फर्स्ट कोट या फिर बेस कोट कंप्लीट होने वाला है। ये बेस कोट या फिर फर्स्ट कोट कंप्लीट होने के बाद में उसको ड्राई होने के लिए रखा जाता है। कम से कम 12 घंटे या फिर आप पॉसिबल है अगर आप एक दिन भी उसको सूखने के लिए वैसे ही रख सकते हैं और दूसरा कोट वो एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे कर सकते हैं। ये देखिए अभी बेस कोट या फर्स्ट कोट बन के रेडी हो गया है। ये कोट कंप्लीट होने के बाद में कम से कम 12 घंटा या फिर आप एक दिन भी रख सकते हैं, एक दिन पूरा ऐसे रखना है, फिर एक दिन छोड़ने के बाद में नेक्स्ट डे आप दूसरा कोट या फिर सेकंड कोट कर सकते हैं। ये सेकंड कोट होने के बाद में कुछ टाइम आपको रुकना पड़ेगा और फिर पूरी तरह से वो ड्राई होने के बाद में आप टाइलिंग का काम कर सकते हैं या फिर टाइल लगा सकते हैं। अभी दूसरा कोट भी हो गया है। ये दूसरा कोट होने के बाद प्रॉपर सूखने के बाद कुछ समय होने के बाद में आप टाइलिंग का काम कर सकते हैं, टाइल फिक्सिंग काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।